अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन इंशाल्लाह। माई सेल्फ मिस साइमा रहमान एंड आई एम योर हालका टीचर। टूडे आवर टॉपिक इज हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्दी फूड्स एंड अनहेल्दी फूड। व्हाट आर द हेल्दी फूड्स एंड अनहेल्दी फूड्स? तो कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हेल्दी हैं और हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो अनहेल्दी हैं या हाइजीनिक फूड्स अनहाइजीनिक फूड्स हैं जो हमें अनहेल्दी रखते हैं और हमें बीमार भी करते हैं। तो आज हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमारे हेल्दी फूड कौन कौन से हैं, लाइक मिल्क, योगर्ट, फ्रेश फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ये जो हैं ये हमारे हेल्दी फूड हैं और हमें इनको डेली रूटीन में खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, हमें वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती, हमें दूध तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें इन चीज़ों को अपने डेली यूज़ में लाना है ताकि हम हेल्दी रहें। पता है हेल्दी फूड यूज़ करने से होता क्या है? हेल्दी फूड यूज़ करने से हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहती है और हमें बहुत एनर्जी मिलती है। हेल्दी फूड गिव्स अस एनर्जी एंड दे मेक अस हेल्दी। और जो अनहेल्दी फूड हैं वो हमारी बॉडी को हैं बहुत वीक कर देते हैं। और हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारे स्टमक में पेन हो रही है या हमारी बैली में पेन हो रही है, हमें फीवर सा हो रहा है, हमें मतलब वीकनेस ही हो रही है, तो हम ठीक नहीं हैं। तो वो इसकी रीज़न यही है कि हम अनहेल्दी फूड्स और या जंक फूड यूज़ करते हैं, लाइक फ्राइज़ हो गए और बर्गर्स हो गए। तो हम भी क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ये जो आप मतलब ग्लेज वगैरह जो मतलब चिप्स होते हैं ये जो आप लोग यूज़ करते हैं, और इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए ताकि हम फ्रेश और हेल्दी रहें। तो आप सब ने मेरे साथ ये इस बात पर प्रॉमिस करना है और आपने मुझे एक अच्छी सी वीडियो बना के सेंड करनी है कि हम जो हैं वो हेल्दी फूड यूज़ करें और अनहेल्दी फूड और जंक फूड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। आई होप आप आज के बाद इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हम सब जो हैं हेल्दी फूड यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।